नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर व्यसन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, DRDO की तरफ से भर्ती निकली है अप्रेंटिस की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और अभी चेक कर लेते हैं इसको डाउनलोड करके। ये साइट है दोस्तों आपके सामने, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर DRDO की ये साइट है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके सेक्शन में। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये अप्रेंटिस के पहले निकले हुए थे। अगर मान लिया कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो अब आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। देखिए, ये है आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर, और पहले जो है वो डेट थी 3 अप्रैल, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 17 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल जो है चेक करने के लिए यहाँ पे हम चलते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट में। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों यहाँ पे है। तो हम डिटेल में चेक कर लेते हैं कौन सी ट्रेड है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ITI अप्रेंटिस की ये भर्ती है, और कारपेंटर की जो है 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको बोलते हैं 23 पोस्ट हैं, 23। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 5 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 20 पोस्ट हैं, और इसी तरह इसी के ठीक नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स है 2, यहाँ पे फिटर की हैं दोस्तों 33, 33, और मैकेनिक मशीनिस्ट जो है मशीनिस्ट की यहाँ पे 11 पोस्ट हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 6 5 पोस्ट हैं, पेंटर की 2 हैं, प्लम्बर की 2 हैं, और टर्नर की 5 पोस्ट हैं, और वेल्डर की 6 पोस्ट हैं। टोटल 116 पोस्ट हैं यहाँ पे ITI अप्रेंटिस की भर्ती के लिए हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट ने जो है दोस्तों ITI पास किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, और कंसर्न जो भी ट्रेड है, जिस ट्रेड की भर्ती है उस ट्रेड में आपका ITI से पास किया होना जरूरी है। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल है जनरल के लिए, OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 37 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। तो मेन पॉइंट्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, दो चार आपको बता देते हैं। ITI के सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2017, 18 और 19 में ITI को पास किया है। जो कैंडिडेट 2017 से पहले अपना जो ITI पास कर चुके हैं दोस्तों, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी जब भी भर्ती निकले किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करके तभी आप उसमें अप्लाई करें। और नोटिफिकेशन को रीड करने से पहले, है ना, इसी कारण आपको साइट पे चेक करवा जाता है कि ये साइट जो है उस साइट पे जाके आप अच्छी तरह से उसको चेक करके फिर आप इसमें अप्लाई करें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जिन कैंडिडेट ने 2017 से पहले ITI किया है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन है कि जिन्होंने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएट किया है, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है। ITI पास कैंडिडेट के लिए वैसे ये अच्छी बात है, क्योंकि ITI पास के जो कैंडिडेट हैं प्योर मेरिट बेस पे, अगर उनका अच्छे मार्क्स हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा बगैर किसी रिटर्न टेस्ट के। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कि ITI जो है, कैंडिडेट्स हैविंग ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT बोर्ड इज एलिजिबल फॉर अप्लाई। NCVT वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर है दोस्तों एक दो चीज़ें और आपको बता देते हैं। स्टाइफंड की यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहेगी। और स्टाइफंड यहाँ पे है कोपा, पेंटर, प्लम्बर और वेल्डर के लिए 7700 रुपये पर मंथ रहेगा, और अदर जितने भी ट्रेड्स हैं उनके लिए 8050 रुपये पर मंथ रहेगा। नो अदर अलाउंसेज विल बी पेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके अलावा जो है अलग से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भत्ता या इंसेंटिव वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस भी बिल्कुल क्लियर इन्होंने बताया है कि जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग, और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू बेस पे। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे हैं 10th क्लास में या 10+ 10th क्लास में या ITI में, वो कैंडिडेट उनके लिए तो अच्छी खबर है, उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपने अप्लाई करना है, ये साइट है आपके सामने rac.government.in, साइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये है कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन DRDO की भर्ती के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं ITI वाले, वो तुरंत इसमें अप्लाई करें, क्योंकि 17 तारीख जो है 17 अप्रैल लास्ट डेट है,
ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप घर बैठ के आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर आईटीआई के कैंडिडेट्स के पास जो कि आईटीआई पास कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।